स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहोगे। तो दोस्तों जो इस चैनल पर नया होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम इस चैनल पर मेरे साथ हम मिलते हैं पढ़ते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड हर एक टॉपिक के बारे में। अगर दोस्तों आपको बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक की जरूरत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। आज मैं लेके आ गई आप सभी के लिए एक नया टॉपिक है एड्स, यानी कि डिजीज से रिलेटेड। आप में से बहुत लोगों ने एड्स के बारे में सुना होगा और क्या होता है कैसे होता है इन सभी चीज़ों को मिलकर आज हम जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ठीक है, बिना किसी देरी के। और आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एड्स का पूरा नाम होता है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जो होता है किसी वायरस के कारण होता है। अब किस वायरस के कारण होता है हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। एड्स जो होता है एसटीडी होता है। एसटीडी का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडी डिजीज में ये आता है। ये डिजीज जो होता है अलग अलग तरीके से एक ह्यूमन बॉडी से दूसरे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है फैलता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। इट इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस यानी कि आरएनए वायरस, इसको हम बोलते हैं एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एचआईवी का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है इसके बारे में भी मैं बता देती हूँ। सिंड्रोम जो होता है हमारे क्रोमोसोम्स के नंबर यानी कि गुणसूत्रों के नंबर जो होते हैं कम और अधिक होने को सिंड्रोम कहते हैं। अगर हमारे अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, 46 में से अगर क्रोमोसोम्स अधिक हो गए कम हो गए तो उससे डिजीज होता है, सिंड्रोम बोला जाता है, ठीक है। तो जो हमारा एड्स है, ठीक है, वो किससे फैल रहा है आपके रेट्रोवायरस से। रेट्रोवायरस आरएनए वायरस यानी कि एचआईवी होता है। इन इंडिया यानी कि भारत में इस वाज फर्स्ट फाउंड इन 1986 इन कोलकाता, यानी कि सबसे पहले इंडिया में ये कोलकाता में 1986 में देखा गया था, पाया गया था इंडिया में, यानी कि भारत में सबसे पहले एड्स जो होता कोलकाता में देखा गया था। अब कौन सा पुरुष था, ये महिला थी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। द वायरस अटैक डब्ल्यूबीसी, ये जब हमको अगर हमको एड्स होता है तो हमारे बॉडी के किस पार्ट के किस सेल को डैमेज करता है यानी कि अटैक करता है, तो डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, जो हमारे इम्यून सिस्टम को सही रखता है, हमारे इम्यून सिस्टम को सही बनाए रखता है डब्ल्यूबीसी, जिसे हम लिम्फोसाइट कहते हैं। मैंने ऑलरेडी डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स के वीडियो अपलोड कर रखी है, आपको नहीं नॉलेज है तो आप जरूर देखें, ठीक है। डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट बोलते हैं, तो वो हमारे बॉडी के लिम्फोसाइट को अटैक करता है एंड वीकनेस द इम्यून सिस्टम, और हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, वीक करता है। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है जिसके कारण हम लोग क्या होते हैं, हेल्थी रहते हैं या हमारे अंदर आए हुए वायरस बैक्टीरिया से डब्ल्यूबीसी लड़ता है। इम्यून सिस्टम का मतलब ये एक मतलब में समझिए, एक वर्ड में समझिए क्या, कि हमारे अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक होना। जैसे कोरोना टाइम में बोला जाता था कि इम्यून सिस्टम सही रखना है, तो इम्यून सिस्टम सही रखने का मतलब क्या होता है, हमारे डब्ल्यूबीसी का सही रहना, ठीक है। अब देखते हैं, तो इतना पता चला कि एड्स किस किस वायरस से होता है, रेट्रोवायरस से, एचआईवी से, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है, वायरस। और एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इतना आप सभी को इतना अच्छे से नॉलेज हो गया होगा आई थिंक। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये फैलता कैसे है, जो एड्स अगर किसी व्यक्ति में हुआ है तो वो कैसे दूसरे व्यक्ति में जाएगा, देखते हैं। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर आप सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते हैं किसी ऐसे पर्सन को जिसे एड्स हुआ है तो वो आपको भी हो सकता है, यानी कि एड्स जो होता है सबसे ज्यादा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही फैलता है। यूज ऑफ नीडल सिरिंज ऑलरेडी यूज बाय इन्फेक्टेड पर्सन, अगर ऐसा कोई पर्सन जो किसी सीरीज या नीडल को यूज किया है उसके बाद आप गए और आप उस नीडल को यूज किए तो उसके जो ब्लड होंगे ना उस नीडल पे लगे रहेंगे और वो ब्लड आपकी बॉडी में आके आपको इन्फेक्ट कर देगा। तो ये सब कहाँ पर होता है, मतलब कि ज्यादातर हॉस्पिटल्स में ये सब चीजें होती हैं कि नीडल यूज किया हुआ नीडल दूसरे पर्सन में लग जाता है, तो ऐसा नहीं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। सेकेंड, सेविंग रेजर,
बार्बर की दुकान पे गए, बार्बर की दुकान पे गए, बार्बर ने एक ही प्लेट से एक दूसरे पर्सन की दाढ़ी बनाई, ठीक है, बॉयज के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर उसी ब्लेड से आपकी अगर दाढ़ी बनाता है तो वो एक इन्फेक्टेड हो गया है, तो इसके कारण भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस ब्लेड का यूज कर रहे हो वो अनयूज होना चाहिए। फ्रॉम एचआईवी इन्फेक्टेड मदर, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, एड्स जो होता है ना, अगर हमारे मदर के ब्लड से भी हमारे अंदर होता है, देखिए लिखा है फ्रॉम एचआईवी इन्फेक्टेड मदर टू इट्स फीटस, फीटस का मतलब होता है भ्रूण, यानी कि जब कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ के अंदर था और माँ के ब्लड से भी क्या हो सकता है, उसको कैंसर हो सकता है, यानी कि माँ इन्फेक्टेड हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं सिम्टम की, लक्षण क्या सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति को एड्स है तो वो व्यक्ति को कैसे बता सकते हैं कि इसको क्या है, एड्स है, लक्षण क्या होते हैं। देखिए लक्षण तो उतने पहचान नहीं सकते हैं, वो तो टेस्ट करने पर ही पता चलता है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ नोट डाउन किया गया है, आप देखिए। वेट लॉस यानी कि भार का कम होना, शरीर का वजन कम होना, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। स्वीटिंग एट नाइट यानी कि रात में सोते समय पसीने का निकलना, अब बोलोगे गर्मी के दिनों में तो पसीना होगा ही होगा, अरे भाई गर्मी का छोड़ो, ठंडी की भी बात की जा रही है, तो ठंडी में भी पसीना, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो सोते वक्त ठंडी में भी उसको पसीना होता हो तो यानी कि वो कहीं ना कहीं एड्स से थोड़ा सा प्रभावित है। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि अगर रात में पसीना निकलता है तो उसे हम क्या करते हैं, तो उसे बोलते हैं स्लिम्स डिजीज, ठीक। स्लिम्स डिजीज कब बोलेंगे, जब किसी पर्सन को सोते वक्त रात में क्या होता हो, पसीना होता हो, तो उसे हम स्लिम्स डिजीज कहते हैं। ये सब सिम्टम है, किसके सिम्टम है, एड्स के, ओके। रिपीटेड डायरिया अलोंग विथ लो ग्रेड रेगुलर फीवर एंड कफ एंड नोजिया, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको हमेशा, मतलब हमेशा क्या, कुछ कुछ दिनों पर फीवर होता रहे या कफ होता रहे या नोजिया, नोजिया का मतलब पता है, नोजिया का अर्थ होता है कि वोमिटिंग जैसा फील होना, वोमिटिंग का अर्थ होता है उल्टी होना, लेकिन अभी फील हो रहा है, उल्टी जैसा फीलिंग होता है उसे नोजिया बोलते हैं, ठीक है। वोमिटिंग का अगर हम फील कर रहे हैं मुझे वोमिटिंग करना है, अभी हो नहीं रहा है, वोमिटिंग का फीलिंग होना, तो उस समय हम बोलेंगे नोजिया, ठीक है, ओके। डैमेज ब्रेन सेल और न्यूरॉन, ब्रेन सेल और न्यूरॉन का क्या होना है, डैमेज होना, खत्म होना। उसके बाद है लॉस ऑफ मेमोरी यानी कि बातों को भूल जाना, लॉस ऑफ मेमोरी का ऐसा मतलब नहीं है कि एकदम पागल हो जाना, नहीं, मतलब कुछ ऐसी बातें वो बार बार बातें को क्या करता हो, भूल जाता हो, ठीक है, थिंकिंग पावर कम होती हो, उस पर हम बोलेंगे लॉस ऑफ मेमोरी। तो ये था आपका सिम्टम, सिम्टम समझ में आ गया, मोटर ट्रांसमिशन कैसे फैलता है, ये सब चीज समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं कंट्रोल की, कैसे आप एड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, एड्स कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। ए-आर-टी, आर्ट, आर्ट का पूरा नाम क्या होता है, आर्ट का पूरा नाम होता है एंटी रेट्रो वायरल ट्रीटमेंट, एंटी रेट्रो वायरल ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट इंक्रीज द लाइफ ऑफ एड्स पेशेंट। इनके लिए जो एड्स होता है, जिस व्यक्ति को एड्स होता है उनके लिए ट्रीटमेंट दी जाती है, ट्रीटमेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है ए-आर-टी, आर्ट, पूरा नाम होता है एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट दी जाती है, जिससे कि एड्स पर्सन को कुछ जीने में और सहायता मिलता है। इट इंक्रीज द प्रोवाइडिंग सेल्स इन द बॉडी या WBC की संख्या को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। दिस ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसी ट्रीटमेंट को क्या कहा जाता है, इम्यूनो स्टिमुलेटिंग थेरेपी, इम्यूनो स्टिमुलेटिंग थेरेपी कहा जाता है किसको, आर्ट को, यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि कंट्रोल करने का रास्ता क्या, तो यानी कंट्रोल एक थेरेपी के माध्यम से ही किया जाता है एड्स को, ठीक है। प्रिवेंशन, कैसे हम रोकेंगे, ठीक है, कैसे रोकेंगे भाई, अभी बताया मैंने कि अगर दूसरे को ब्लेड को यूज ना किया जाए तो इसे नहीं फैलेगा। सेक्सों के सेक्स ड्यूरिंग द सेक्स, सेक्स के दौरान क्या करना चाहिए, कॉन्डम यूज करना चाहिए, ओके, ठीक है। अवॉइडिंग यूज ऑफ कॉमन रेजर ब्लेड और बार्बर सॉप, बार्बर सॉप से जो रेजर होता है उसको अवॉइड करना चाहिए, मतलब यूज नहीं करना चाहिए। ब्लेड रखा है बार्बर ने, उस ब्लेड को लगा रहा है, आपको ध्यान रखना चाहिए, उसको अवॉइड कीजिए। यूज ऑफ कॉन्डम्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के समय क्या करना चाहिए, कॉन्डम्स यूज करना चाहिए, तो आप बच सकते हो एड्स से। अदरवाइज
आपको हो सकता है एड्स। तो ये था आपका आज का नोट्स यानी कि आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने जाना एड्स के बारे में। एड्स का पूरा डिटेल नोट्स यहाँ पे मिल गया। क्या देख लिया हम लोगों ने? एड्स का पूरा नाम देख लिया, एड्स किस वायरस से होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिम्पटम कंट्रोल, प्रिवेंशन, ये सारी चीजें आज कवर हो गई। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक एनर्जी के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।